नमस्कार। कुरुक्षेत्र के रण में आज हम बात करेंगे इनेलो नेता अभय चौटाला व आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा के बीच चल रही जुबानी जंग की। दोनों ही नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी के युवा फायर ब्रांड नेता हैं, वहीं अभय चौटाला पिछले 25 साल से इनेलो के फायर ब्रांड नेता ही नहीं बल्कि अपनी बात के धनी के तौर पर जाने जाते हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा अभय चौटाला की कुरुक्षेत्र सीट से उम्मीदवारी पर सवाल उठाए जाने पर अभय चौटाला जहां आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं, वहीं अनुराग ढांडा द्वारा उन्हें वोट कटवा कहने पर अभय चौटाला ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पहले हम आपको दिखाते हैं कि अभय चौटाला ने क्या कहा था। अनुराग ढांडा से आप ये पूछो कि आप ये सब बातें कब से कहने लगे, आपको हरियाणा से कब से प्यार हुआ है। अनुराग ढांडा तो आप पार्टी बनने के बाद मुश्किल से मेरे ख्याल पिछले एक साल से कहीं नजर आया है। ये हरियाणा हमारा बनाया हुआ है, चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ है। ये इस हरियाणा के साथ कोई अनदेखी करे। अनुराग ढांडा से ये तो पूछो कि तू जिस पार्टी में है क्या उसने हरियाणा प्रदेश के हिस्से का पानी रोक रखा है कि नहीं रोक रखा है। वो हमारी जीवन रेखा है, वो पानी हम लेकर के आएंगे। अनुराग ढांडा जैसे लोग जो आज इस किस्म की अनलगर बात करते हैं, लोग इनको बहुत अच्छी तरह से सबक देंगे। तो सुन लिया आपने कि अभय चौटाला ने क्या कहा था। अभय चौटाला की इस तीखी प्रतिक्रिया के बाद अनुराग ढांडा ने अभय चौटाला को सजा याफ्ता बाप का बदतमीज बेटा तक कह दिया है। इससे पहले भी अनुराग ढांडा अभय चौटाला को ताऊ देवीलाल का लाल नहीं बल्कि भाजपा का दलाल कह चुके हैं। आपको बता दें कि 3 दिन के कलायत हल्का के दौरे के दौरान एक गांव में अभय चौटाला द्वारा इस चुनाव को जाट व बनिया की लड़ाई बताए जाने पर भी बयान की खूब चर्चाएं हो रही हैं। आइए अब दिखाते हैं कि अनुराग ढांडा ने क्या कहा। देखिए, इनको यही एलर्जी है, हर आम आदमी से ये प्रश्न पूछते हैं कि भाई तुम राजनीति में क्यों हो। मतलब इनका कहने का मतलब है कि राजनीति में होने चाहिए ओपी चौटाला, अजय चौटाला, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, करण चौटाला, ये चौटाला, वो चौटाला। इनका परिवार राजनीति में रहे, बाकी किसी के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं है। तो मैं तो एक आम आदमी होने की हैसियत से, हरियाणा का एक आम आदमी जो इनकी की हुई राजनीति को समझता है, इनके जो पिताजी हैं वो शायद 10 साल जेल काट के आए हैं, तो नजरें नीची करके इनको हरियाणा के लोगों से बात करनी चाहिए। और एक सजा याफ्ता पिता के एक बदतमीज बेटे से इससे ज्यादा उम्मीद भी कोई क्या कर सकता है कि जनता अगर सवाल करेगी तो ये उनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल करेंगे कि आप कौन होते हैं सवाल पूछने वाले। मैं तो ये कह रहा हूं कि कुरुक्षेत्र की जनता इस बार आपको बताएगी कि आप कौन होते हैं वोट काटने के लिए कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले। 20,000 वोट के नीचे इनकी जमानत जब्त करा के लोग भेज देंगे। तो अनुराग ढांडा को आपने सुना, इन नेताओं की आपसी जुबानी जंग का चुनाव पर क्या असर होगा यह चुनाव परिणाम बताएगा। फिलहाल हम आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में चल रहे चुनाव में अभी तक इंडिया गठबंधन के साझे उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता व इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला ही चुनावी दौरों पर हैं, वहीं भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल पर विदेश में बैठकर चुनाव लड़ने के आरोप लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि अभय चौटाला इस सीट पर एक समाज विशेष की 4 लाख से अधिक वोटों में सेंध लगाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि इनेलो का दावा है कि इस बार कुरुक्षेत्र सीट से अभय चौटाला जीत हासिल करेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट कर हमें जरूर बताएं।